और आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, मेरा सौभाग्य है क्रांतिमाला जी शर्मा जी, ये मेरा सौभाग्य है राहुल भैया, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंडल के जन्मदाता क्या बात, जिन्होंने इस मंडल की नींव रखी थी, आज जिनसे सबसे पहली प्रेरणा लिखने की मैंने ली, गाने की दी, मेरे बड़े भाई श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये हमको छोड़ के इसलिए चले गए थे कि ये ग्राम विकास अधिकारी के पद पर खंड विकास अधिकारी के रूप में ये सर्विस करते रहे, लेकिन अब सेवा मुक्त होकर के आज संयोग की बात है कि आप आज हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक बार तालियां बजाई जाएं, इनकी ओर से स्नेह 101 मुद्राएं हमारे लिए हुई हैं। उन्होंने कहा कि लालचंद जी हमने तुमको कहां छोड़ा था, तुम कहां पहुंच गए हो, लेकिन पहुंचाने वाले आप ही हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। ढाई बज गया है, चलिएगा एक गीत भेंट कर रहा हूं, सुनेगा भैया लोग यहाँ कौन सा कि ना धर्मपुरा ना करमपुरा ना गंगापुरी ना जलपुरा पीने वालों से पंडित जी ना करना कोई सिफारिश, पीने वाला ना करना कोई नसीहत, पीने वाला मरते मरते करता यही वसीहत की, पंडित जी मेरे मरने के बाद कि कीर्तन जगत में बहुआ एक अकेला पुरुष है, मेरा कुछ कुछ आशीर्वाद के लिए है, लेकिन बहुआ के सामने ऐसी बजना ढोलक क्या देखा, ये दादा जी कृष्ण के आशीर्वाद से ऐसा होता है, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, मेरे मुख में गंगा जल की जगह, मुख में गंगा जल की जगह, थोड़ा मदिरा ठेका आ गया, फिर शराब आ गया, बात मैं आराम से बुढ़ापा है, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, थोड़ा मदिरा छलका Thank you.
हेलो आइएगा दादाजी, जब मदरा को छलकना ही है तभी मुझे भी पता चला कि जब जाम हाथ में आया और छलका जमीन पर, लेकिन सवाल वही ठेका के सामने, जब जाम हाथ में आया और छलका जमीन पर, तब मैंने समझा कि मैखाने के पत्थर भी शराब पिया करते हैं, मैखाने के पत्थर भी शराब पिया करते हैं। हमारा शिष्य मुकेश कहा करता है कि मुकेश एक शराबी ठेकेदार से जाकर ठेका में बोला कि ऐ मेरे यार तू एक काम कर, ऐ मेरे यार तू एक काम कर, एक दो बोतल में कुछ नहीं होता, पूरा मखाना मेरे नाम कर। पंडित जी मेरे मरने के बाद, इतनी दया दिखा देना मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, थोड़ा मदिरा चखा खिलाड़ी भैया, आप भी बहुत ऊंचे खिलाड़ी हो, कीर्तन के भी खिलाड़ी हैं, नाम से खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी भाई राठ, आपकी ओर से पुनः ये क्या मुद्राएं हैं, आइएगा गीत को सुनिएगा। देखिएगा आदरणीय गांधी माला जी, यहाँ पूछे जनसमुदाय, हालांकि आप तो मेरी एक नस नस जानते हैं, मैं पहले फिल्मी गीत को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, फिर उसका अर्थ निकालता हूँ, तो उसमें अगर कुछ अच्छा लगता है तब गीत देखता हूँ तो छोड़ देता हूँ। इसमें अच्छा लगा मुझे क्या, कि जो आदमी कुछ भी मांगता है वो कहता है कि हमको ऐसा कर दो। अच्छा ये कोई नहीं कहता कि हमारे मरने के बाद, अच्छा मरने के बाद क्या लेना देना, अच्छा मरने के बाद अगर कोई मांगता भी तो कहेगा मरने के बाद हमारे बच्चों को ऐसा हो जाए, हमारी बिटिया को ऐसा हो जाए, हमारे नाती को ऐसा हो जाए। लेकिन इसकी देखिएगा ईमानदारी, क्या बात, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह आराम से। अरे ये तुम्हें क्या कहना पड़ गया, उसको भी नशा आ रहा है। ची 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 जब करने लगे तो थोड़ा उसे हटा देना, आइएगा सुनिएगा। मैं विषय पर चल रहा हूँ, जो मरने के बाद कुछ मांग रहा है वो भी अपने मुर्दा शरीर के लिए, गीत का आधार भी यही है। मरने के बाद लोग मुर्दा अपने मुर्दा शरीर के लिए मांग रहे हैं, मांग क्या रहे हैं इसको सुनिएगा। मेन माइक हेलो वालो हेलो हेलो धन्यवाद, ऑपरेटर ठीक है भाई। आइए ले चल रहा हूँ कि असुर गुणा केश ने तप किया महान, क्या बात, बहुत बढ़िया राजू भैया, बउआ के घर तो नहीं बने कुछ दिन तो, कि असुर गुणा केश ने तप किया महान, भगवान विष्णु बोले भक्त मांग ले वरदान, तो हाथ जोड़ करके बोला असुर गुणा केश,
दर्शन के बाद कोई इच्छा रही न शेष। क्या बात महाराज, क्या मांगा? सारे लोगों के शरीर देखता हूं मैं, चाहे पिंकी राजपूत हो, हमारे भैया अवस्थी जी हो, सबके शरीर हाड़ मांस रक्त मांस मज्जा के बने, लेकिन मेरा क्या बात? तांबे की मिली काया, तांबे की मिली काया, हरि का दर्श मिल गया। तांबे की मिली काया, हरि का दर्श मिल गया, हरि के पदारविंद का स्पर्श मिल गया। अब क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं भक्त, अब मैंने कहा कि मांग मांग, तो फिर मांग। तो कहा महाराज, तो एक प्रार्थना है मेरी दीनानाथ से, जो भी कहा पूरी। बोले महाराज, सोच समझ के वचन देना। दिया तो एक प्रार्थना है मेरी दीनानाथ से, कि मौत हो हमारी प्रभु तुम्हारे हाथ से। अरे भक्त, ये क्या मांग लिया? आखिर बता, मैं अपने भक्त को कैसे मारूंगा? बोले महाराज, वरदान के कारण मारना पड़ेगा। बोले अनर्थ है। बोले अनर्थ अब नहीं है, पहले ये सुनो कि मारना कब है। कब? कब? कहा जब मैं आपके ध्यान में पूर्णता लीन हो जाऊं, तब आपको मुझे मारना पड़ेगा। भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भक्त भगवान के ध्यान में लीन हुआ तो छोड़ दिया, तन काट दिया, हरि ने अपना चक्र छोड़कर। तो मरते समय वो बोला हरि से हाथ जोड़कर, तन काट दिया हरि ने अपना चक्र छोड़कर। तो मरते समय वो बोला हरि से हाथ जोड़कर। भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बात? भक्त तूने क्या किया, करा दिया मुझसे, क्या करा दिया? हे भक्त, अगर तू अब भी चाहे तो मुझसे जीवन मांग ले, मैं तुझको इस तरह मरते नहीं देख पा रहा, इस तरह मरते नहीं देख पा रहा। भक्त हंसने लगा। अब कहा महाराज, सुनिए मेरी नजर में क्या है, कितना बदन बुरा ना जीवन बुरा ना शरण बुरी ना मरण बुरा। वे अपने तन की गीत कहता है पंडित जी, पंडित जी। तो मैंने सोचा कि मैं गाऊंगा पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। तो लोग कहेंगे लियो अपने ही गा रहे हैं, पंडित जी अपने ही गा रहे हैं। तो हमने कहा हम पंडित जी नहीं गाएंगे, पंडित जी जिनको अगरबत्ती लगाते हैं हम उनको गाएंगे। वाह, कितना धर्म बुरा ना कर्म बुरा। गीत कहता ना बदन बुरा ना जीवन बुरा ना शरण बुरी ना मरण बुरा। वे अपने तन की ठाकुर जी, ठाकुर जी, मैं करता यही सिफारिश कि मरते मरते नाथ आपसे
अंतिम यही गुजारिश की ठाकुर जी मेरे मरने के बाद। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद बस इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, मेरे तांबे का शरीर है प्रभु। ठाकुर जी मेरे मरने के बाद बस इतनी दया दिखा देना, मेरे तन से बने जो बर्तन, तन बर्तन, मेरे तन से बने जो बर्तन उसमें भोग लगा देना। सुनिएगा, मेरे तन से बने जो बर्तन उसमें भोग लगा लेना। आज तक ठाकुर जी उसी तांबे के बर्तन में भोग लगा रहे हैं आज तक। क्या बात, दूसरा सुनिएगा। एक भक्त भगवान जैसी बाण मारते हैं वो भक्त नहीं है, क्या लेकिन भक्त बन गया। जैसे बाण मारा बाण लगते ही नीचे गिरा और उसके मुख से निकला हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते। भगवान ने कहा हे मारी, तूने मरते समय मेरे भाई और भार्या का नाम लिया है, मैं तुझसे खुश हूं, तुम उससे वरदान मांगो। ये अब वरदान में यदि चाहे तो जिंदगी मांगे तो जिंदगी दे दूंगा तुझे। कहा महाराज जलत, मैं जिंदगी नहीं मांग सकता। क्यों? क्यों मुझसे पापी राजू, मुझसे पापी का हो सकता था ऐसे उद्धार कहां। आप कह जरूर रहे लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि तुमसे मांगू। क्यों? क्यों मांग मांगना चाहू लेकिन, मांग मांगना चाहू लेकिन ये मुझको अधिकार कहां। महाराज आपसे वरदान वो मांगे जिसने आपकी तपस्या की हो, जिसने आपकी पूजा की हो, जिसने आपका भजन किया हो। क्या बात, मैं तो आपको छल करने आया था, आपको धोखा देने आया था। मांग मांगना चाहूं लेकिन ये मुझको अधिकार कहां। तो राम ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैंने तुझको अधिकार दिया। मां कहा मांगू महाराज? हाँ। तो कहा प्रभु, प्रभु ठाकुर जी मेरे मरने के बाद, जय हो ठाकुर जी मेरे मरने के बाद बस इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, मेरे तन से, मेरे तन से छाल जो निकले, मेरे तन से छाल जो निकले आसन उसे बना लेना। और भगवान राम ने कहा वस्तु उसी मृगशाला में भगवान राम ने अपनी आसन लगाई, तपस्या किया, ता आसन आसीन कृपाला।
अंतिम नहीं अंतिम अगला नेक्स्ट सुनिएगा। एक भक्त और है जिसके सामने भगवान खड़े हैं, बोले हे दानी कर्ण, तूने जिंदगी भर दान दिया, आज मुझको भी सोने का दान देकर मुझको ऋणी कर दिया। हे कर्ण, अब तू मुझसे कुछ मांग ले। अगर मांग में मांगना चाहे तो मुझसे जिंदगी मांग ले, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। कहा नहीं केशव, नहीं केशव, हे केशव कृपा करिए। खेल नहीं और जीने में उत्साह नहीं, जीने में उत्साह नहीं। क्यों क्षत्रिय का पुत्र होकर सूद पुत्र के नाम से जीऊं, क्या ये भी कोई जीना है? जीने में उत्साह नहीं, अंत समय दर्शन कर हरि के शेष रही कोई चार नहीं। अगर आप कहते तो सुनिए, मैं तो सूद पुत्र हूं, लेकिन आप ठाकुर जी मेरे मरने के बाद, ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतनी दया दिखा देना, इतनी दया दिखा देना, जहां आज तक कोई चला ना, जहां आज तक कोई चला ना, वहां मेरी लाज जला देना। अंतिम बात सुनिए आदरणीय क्रांति माला जी, बाद में यहां बहुत जन समुदाय है जो घटना बता रहा हूं, 18 फरवरी की घटना है। 14 फरवरी की घटना तो शायद किसी को जिंदगी में भूलेगे नहीं जब तक जिएंगे। जहां 40-45 लाशें एक साथ सोई हों, वो भी हमारे वीर जवानों की है। लेकिन जब वो घटना सुनी, एक देहरादून के बहादुर जाबाज जिसका नाम था विभूत शंकर डौंडियाल, उसने अपने अधिकारियों से कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जानकारी हुई है कि वो आतंक की रचना रचने वाले कुछ 6 लोग ही कहीं छिपे हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा। आदेश मिल गया और उसने जाकर के ऑपरेशन शुरू कर दिया। और उस बहादुर जाबाज को जो खबर मिली थी कि 6 लोग हैं, बीन बीन करके 6 मार दिए। लेकिन जब 6 मारने के बाद आजाद हो गया, पता नहीं 7वां कहां से निकला और उसने ऐसी गोली मारी कि विभूत शंकर अचेत होकर जमीन पर गिर गया, अस्पताल भेजा गया, वहां से रेफर हुआ, दिल्ली पहुंचा। 17 घंटे बाद उसको होश आया। तब तक उसकी माँ, भाई, बहन सारे लोग पहुंच चुके थे। उसने नजर उठाई तो माँ दिखाई दी, जो उसके चेहरे की तरफ लगातार देख रही थी। और जैसे उसने माँ को देखा तो कहा, माँ, और माँ ने इतना सुनते ही अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाया। अब बोले कि बेटा मैं यहीं बैठी हूँ। बेटा तो ठीक है? कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन चारों तरफ देखने लगा। कहा, बेटा क्या देख रहे हो? कहा, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निवेदन ये करता हूँ, इस पंक्ति को किसी राजनेता से किसी राजनीतिक दल से मत जोड़ो। चारों तरफ नजर डाली, बोले, माँ सब कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई नहीं दे रहे।
कहा क्यों क्यों कहा मेरी नजर में एक वही ऐसा मंदिर है जिसने हम जैसे सैनिकों की शहीदों की अर्थी को कांधा दिया है। क्या बात है राजनाथ सिंह माँ रोने लगी कहा बेटा ये क्या कह रहा है कहा माँ रो मत कहा क्यों अगर तू रोई तो मेरा समय निकल जाएगा मेरे पास समय बहुत कम है। माँ और रोने लगी बोली तू रोती क्यों है मेरे लिए एक मेजर के लिए क्या बात तो सुन सुन मुझ मेजर मुझ मेजर की भूति से लाखों मेजर देगा देश मेरा मेजर देगा देश मेरा क्यों क्यों माता इतना कर लाल चंद्र ग्रह मंत्री जी से कह देना संदेश मेरा अगर नहीं आए तो कह देना संदेश मेरा की ठाकुर जी मेरे मरने के बाद ठाकुर जी मेरे मरने के बाद माँ रोने लगी बोले बेटा ऐसा मत कह बोले माँ पूरी बात सुन मैंने देखा है जो भी शहीद होता है तिरंगे में लपेट कर उसको घर भेजा जाता है मैं कहता हूँ मेरे साथ ऐसा न करें मुझे तिरंगा से लपेटा न जाए कहा बेटा तिरंगा तो हर शहीद का गौरव है बोले अगर गौरव है तो सारे शरीर को लपेटा जाए मेरे मुंह को खुला छोड़ दिया जाए क्यों क्यों का ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लाल चंद्र ग्रह मंत्री जी से कह देना संदेश मेरा की ठाकुर जी मेरे मरने के बाद ठाकुर जी मेरे मरने के बाद बस इतनी दया दिखा देना इतनी दया दिखा देना मेरे माथे पर पावन मिट्टी से मेरे माथे पर पावन मिट्टी से हिंदुस्तान दिखा देना उसने फिर चिल्लाया मां रो मत मेरे पास समय कम है संदेश आधा हुआ पूरा संदेश सुन और अंतिम संदेश की लाइन में आप तक पहुंचा रहा हूं और देखता हूं कि आप कहते हैं मैं कितना भारत प्रेम है क्या मेरे माथे पर पावन मिट्टी से हिंदुस्तान लिखा देना हिंदुस्तान लिखा देना लेकिन माँ मेरे जूतों के तलों पर मेरे जूतों के तलों पर अरे पाकिस्तान लिखा देना के ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि
जहाँ हर बालक मोहनता है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, तो वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भैया लोगों ने सुना है, ऐसे कठपीसों का क्या जवाब आ सकता है चाचा, लेकिन बच्चों का प्रयास देखिए कि जो पाक कह रहा फटना होगी फिर पुलवामा के जैसी, चाहे हो इमरान खान, चाहे महमूद कुरैशी, चाहे हो ओवैसी, तो तेरी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी। अब चूंकि हम भी भारत में ही जन्मे हैं, इसी भारत का नमक हमने भी खाया है, ये बात, तो हम भी भारत की तरफ से ही बोलेंगे। हमारे भारत के वीरों का कैसा हाल है, हालांकि आपने इस गीत में जो व्हाट्सएप पर फेसबुक पर खूब चल रहा है, 70 हटे 70 आए 70 पक्ष 70 विपक्ष, सब वही सब इधर उधर का जोड़कर 70 70 किया है, और ऐसा दूसरा लाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जितना 70 70 मिला आपने सब 70 जोड़ दिया, हम जबरदस्ती का 70 फिट नहीं कर सकते, जो हुआ नहीं उसमें 70 बातें लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सिंघाव लोगों की बात है तो चाचा, सिंघाव लोगों लाने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पंक्ति अच्छी लगे, सिंघाव लोगन तो आ जाएगा बड़ी बात नहीं, यहाँ से शुरू वहाँ पे खत्म, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि है वीर चढ़े नगीना जड़ जाता है, अगर इस मुद्री में ये वीर न जड़े हो तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, तो है वीर जड़े भारत मुद्री में जैसे जड़ा नगीना। और भारत के वीर कहते हैं कि है देश के खातिर मरना और देश के खातिर जीना, देखिए हमारे भारत के वीर तभी आगे बढ़कर लड़ सकते हैं जब कोई पीछे से उनके साथ सहयोग करने वाला हो, तो आपकी बार कहने में गुरेज नहीं है मुझे कि 22 29 और 5 से आया, 22 तारीख 29 तारीख और 5 तारीख देखिए, तो 22 29 और 5 से आया पावन सावन का महीना, इन तीनों तारीखों में
तीन बड़े बड़े काम हो गए, तीन बड़े बड़े काम। पहले में चंद्रयान, दूसरे में तीन तलाक खत्म हो गई, और तीसरे में ये 370 धारा हट गई। तो 22-29 और 5 से आया पावन सावन का महीना। और भारत के वीरों ने कहा कि पर देख ले भारत में बैठा ये 56 इंची सीना। देखे तो गिनती का जोड़ निकलेगा 56। और जिनके सशक्त हस्ताक्षर में वीर लड़ रहे हैं, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो देख ले भारत में है मिला ये 56 इंची सीना, ये 56 इंची सीना। तो भारत के वीरों ने कहा ये पाकिस्तान यहाँ कुछ भी के यहाँ कुछ भी नहीं विदेशी है, यहाँ कुछ भी नहीं विदेशी, सब मिलेगा देसी देसी, यहाँ सब कुछ देसी ही मिलेगा, चाहे देसी घी हो चाहे देसी टेका देसी है, क्योंकि बार बार क्या टेका लग रहा है। तो यहाँ कुछ भी नहीं विदेशी, सब मिलेगा देसी देसी। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वो पाकिस्तान कि वो अपना खर्चा चला रहा बेच के गैया भैंसी, अपने ही जानवर बेचकर पेट पाल रहा है, वो अपना खर्चा चला रहा के बेच के गैया भैंसी। और लोगों ने कहा के पाकिस्तान है तेरी हालत शेर के आगे, है तेरी हालत शेर के आगे बिल्कुल बकरी के जैसी, तो चल तेरी ऐसी ऐसी है तेरी ऐसी। प्रयास था कि तेरी ऐसी की तैसी भी न छूटे, ये बात ऐसी की तैसी हो भी जाए, 25 हो गया जवाब। ये 21 मुद्राएं हमारे खिलाड़ी भाई 12 खंबा राड आपकी तरफ से, खिलाड़ी भाई की तरफ से। और आपने एक फरमाइश लिखी है कि कहीं आपने सुना होगा, गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे, ये सुना लीजिए, कोशिश करूंगी। 51 मुद्राएं हैं, सुंदरकांड समिति, जवाबी कीर्तन समिति, गुड़हा चरकारी से आए, चरखारी से आए भैया हमारे इस कमेटी के संयोजक भैया हमारे राजू विश्वकर्मा जी, आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं जवाब पर हैं, भैया को धन्यवाद है मेरी तरफ से। आइए बहुत देर तक चाचा समझाने की आवश्यकता ना पड़े तब तो कीर्तन है, डेढ़ डेढ़ घंटे तक समझाना पड़े तो फिर कहेगा कीर्तन। चलिए हेलो, सूचना है कमलापुर राजपूत जी गोहानी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो डाइस के पास आने का कष्ट करें, आपका कोई इंतजार कर रहा है उधर, श्री कमलापुर राजपूत जी गोहानी। गीत आपने इतना बढ़िया दिया है और आज आप जितने गाने लाए हैं सब सोच के लाए, लग रहा सब ठेके में से निकल के लिखे गए। पहले गाने में मैं शराबी नहीं, अब की मेरे मरने के बाद थोड़ी मदिरा छलका दे, ये सब
ये मधुशाला से आ रहे गाने बेटे। चलिए अच्छा गीत है, चाचा प्रयास कर रही हूँ। ना धर्म बुरा, क्या ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी, ना जल बुरा, तो पीने वालों से पंडित जी, ना करना कोई नसीहत, पीने वाला मरते मरते के करता यही वसीहत, करता यही वसीहत के पंडित जी मेरे मरने के बाद। ऐसे गीत आप जैसे लोग ही लिख सकते हैं, वैसे गीत सुनने को नहीं मिलते। मैं प्रयास पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा छलका। आप लोगों ने गीत को बड़े गौर से सुना है। इनके गीत में चचा हमारे कह रहे हैं लोग जिंदा रहने पर मांगते हैं कि मेरे लिए ये कर देना, मेरे लिए वो कर देना। अच्छा 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 परीक्षित जी जी अच्छा अच्छा जिन बाबा के दरबार में कार्यक्रम हो रहा है, परीक्षित बाबा उनके चरणों में पुरस्कार भैया दे रहे हैं 101 मुद्राओं का। इस धुन पर बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा। आप लोगों ने बड़े गौर से गीत को सुना है। इनके गीत में जो लोग हैं वो मरने के बाद की स्थिति चाह रहे हैं। शाबाश। मरने के बाद पहले में कोई कह रहा है कि ठाकुर जी मेरे मरने के बाद मेरे तन का बर्तन बना देना, और वही तांबे का बर्तन आज भी भोग लग रहा है ये। फिर कोई कह रहा है कि मेरे शरीर की खाल उसका आसन बना लेना। फिर कर्ण कह रहे हैं जहाँ कोई ना जला हो वहाँ मुझको जला देना। और सबसे बढ़िया बात मेरे दिल को अच्छी लगी कि वो डोंडियाल कह रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना और मेरे जूते के तलुओं पर पाकिस्तान लिखा दे देना। पहले पहले कहा कि मेरे माथे पर मिट्टी से हिंदुस्तान लिखा देना, तो हम लोगों ने सोचा अपने हिंदुस्तान की बात की हम कुछ और करेंगे, लेकिन अब आपने जवाब में थोड़ी थोड़ी कैंची भी चलाई है, कैंची चलाई है कि तलुए पे पाकिस्तान लिखा देना।
अब हम क्या करें, लिखा देने से कुछ नहीं, पाकिस्तान तो पहले ही जूते के तलवे के नीचे है, लिखा देने से कुछ थोड़ी होता है। लेकिन चलिए प्रयास करें, चार बातें हैं चाचा, चारों में कुछ बन जाए, कुछ कोई कह दे। और सबसे बड़ी बात आपके गीत की ये है कि पंडित जी वो कह रहे हैं और ठाकुर जी आपने ले लिया है। अब हम कौन से, मिश्रा जी तो कह नहीं सकते, यादव जी तो कह नहीं सकते, राजपूत जी कह नहीं सकते, पाणे जी का बेटा अब हम दीक्षित जी भी नहीं लगा सकते क्योंकि अब चार टुकड़े पूरे करने हैं, करने हैं। लेकिन कोई ऐसा शब्द लगाऊंगी जो चारों युगों में फिट हो जाए। ये बात जैसे आपके गीत में चारों युगों में ठाकुर जी भगवान को भी कहते हैं और ठाकुर जी राजनाथ ठाकुर ले लिया। चलिए प्रयास कर रही हूँ, देखिए प्रयास के सुरवा असुर में घोर जब संग्राम हो रहा असुर से जब है जीत ना सके, देवता हार रहे हैं, वो देवता असुर से जब वो जीत ना सके और छीन हुई शक्ति सभी देव है थके, तब मुनि दधीच के समीप देव है आए। दधीच ऋषि के पास, आप सब जानते हैं दधीच मुनि बड़े बूढ़े हैं, दधीच मुनि के पास देवता आए और उन्होंने कहा, तब मुनि दधीच के समीप देव है आए, रख ले हमारे शस्त्र यही वचन सुनाए। दधीच मुनि ने उनके शस्त्रों को अपने पास रख लिया, लेकिन किसी प्रकार वो शस्त्र नहीं रहे, गायब हो गए, नहीं रहे। देवता पहुंचे, उन्होंने अपने शस्त्र मांगे तो दधीच मुनि ने कहा वो तो हमारे पास नहीं है। देवताओं ने कहा क्या किया जाए, तो दधीच मुनि ने कहा, कहा ऐसा करिए कि आप मेरी ही हड्डियों को घिसिए, घिस घिस कर क्या बनेगा सुनिए। तब मुनि दधीच के समीप देव है आए, रख ले हमारे शस्त्र ऐसे वचन सुनाए। शस्त्रों को घिस घिस कर मुनि ने पान है किया, शस्त्रों को घिस घिस कर मुनि ने पान है किया, देवों ने जब है मांगा जीवन दान है किया। देखे क्या बोले दधीचि मुनि ने कहा कि हे विश्वकर्मा भगवान, कुछ ऐसा होना है जिससे दैत्यों का नाश हो जाए, दैत्यों से देवता जीत नहीं पा रहे, तो ये जो मेरी हड्डियां हैं ये बड़ी मजबूत हैं, आपको करना क्या है जरा सुनिएगा। कहा कि जनहित में हो प्राण दान दो, दधीचि मुनि ने कहा जनहित में हो प्राण दान दो, करता मैं इनकार नहीं, करता मैं इनकार नहीं, प्राण भले मेरे जाएंगे, प्राण भले मेरे जाएंगे, पर तन होगा बेकार नहीं। विश्वकर्मा से कहा कि मेरे प्राण भले ही चले जाएंगे लेकिन मेरा शरीर नहीं बेकार होगा, ये शरीर की जो हड्डियां हैं, प्राण भले मेरे जाएंगे
तन होगा बेकार नहीं, तन होगा बेकार नहीं तो योगी जी मेरे मरने के बाद। धन्यवाद, यह जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके गीत में ठाकुर जी और पंडित जी आप बोल ही गए तो वो कह रहे हैं योगी जी, शाबाश बेटे शाबाश। विश्वकर्मा जी भी योगी जी ही है तो योगी जी मेरे मरने के बाद, योगी जी मेरे मरने के बाद शत्रु दल को मिटा देना और करना क्या संचित करके मेरी हड्डियाँ, संचित करके मेरी हड्डियाँ इससे बदल बना देना। ये बच्चों का प्रयास है चाचा, ये बच्चों का प्रयास है, जवाब भारी हो गया। हाँ, ये ठेके में नहीं मंच पे लिखा जा रहा है। योगी जी मेरे मरने के बाद जो मेरी हड्डियाँ हो उससे वज्र बना देना, और वही वज्र दधीच की हड्डियों से बनाया गया। जैसे जैसे आपके गीत में कहीं बर्तन बन रहा है, कहीं मृगशाला बन रही है, तो वैसे ही यहाँ भी कुछ बन रहा है। शाबाश बेटे शाबाश, हड्डियों से वज्र बना देना। एक जगह और देखिए, एक प्रसंग और पढ़ने में आया क्या कि एक बार गयासुर से भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा, और जब भगवान विष्णु ने उस गयासुर को मारा तो वो गयासुर मरते मरते एक बात कहने लगा विष्णु जी से। क्या? उसने कहा प्रभु पाप किया मैंने जीवन भर, पर मरना पावन हो जाए, मरना पावन हो जाए। हो क्या? क्या के हवन यज्ञ हो मेरे तन पर, हवन यज्ञ हो मेरे तन पर, पितरों का पूजन हो जाए। शरीर पर एक धाम बन जाए और उसी पर पितरों का पूजन हो, उसी पर यज्ञ और हवन होने लगे। तो हवन यज्ञ हो मेरे तन पर, पितरों का पूजन हो जाए तो ठाक योगी जी मेरे मरने के बाद। और यहाँ भगवान विष्णु भी योगी जी ही हैं, जिनको योगेश्वर भी कहते हैं। तो कहा योगी जी मेरे मरने के बाद, योगी जी मेरे मरने के बाद तन पर मेरे तन पर शिला रखा देना, और पिंडदान हो मेरे तन पर, पिंडदान हो मेरे तन पर, और इस तन को गया तीर्थ बना देना। वही वही गया तीर्थ, लोग कहते भैया गया तीर्थ करके आइए, सारे पितर पर जाते हैं, और वो गया तीर्थ गया सुखी पीठ पर है, उसी के शरीर पर है। समझते हो? अब कलयुग में आपने लिया जूते के तलवे पर पाकिस्तान लिखा देना, क्या लाया जा सकता है? यह जवाब सुनिए, प्रयास कर रही हूँ चाचा, प्रयास दीजिए। हमारे कानपुर नगर में एक जगह है चौवेपुर, चौवेपुर में एक सैनिक जिसका नाम रमेश,
जब उसकी अंत्येष्टि होने लगी, उस बालक की भी अंत्येष्टि हो रही है, उसने भी देश के लिए अपनी जान गंवाई है, लेकिन अपने पिता से अपने मरने से पहले उसने तमाम बातें की थी, कभी फोन पर, कभी खत में और कभी सामने। लेकिन जब वो बालक नहीं रहा तो कवि की कल्पना देखिए, चाचा के उस बालक ने अपने पिता से कहा और पिता ने एक बात कही। क्या? पिता कह रहे मेरे मेरे पुत्र ने मुझसे ये कहा था कि वो पाकिस्तान पाकिस्तान वो देता बुजुर्ग कह रहा है कि ये पाकिस्तान कितना गद्दार है। उस पिता ने पहले वहाँ के लोगों को जो इकट्ठा है उनसे कह रहे हैं, पाकिस्तान देता आया बरसों से हमको धोखा है, बरसों से हमको धोखा है, बार पीठ पर करने का, बार पीठ पर करने का कभी छोड़ा उसने मौका है, लेकिन वो बूढ़ा पिता कह रहा है कि मेरे जैसे बच्चों ने, देश के वीरों ने मिलकर किया क्या उस पाकिस्तान के लिए? क्या भारत की जनता ने जब चाहा तो पाकिस्तान का हाल कैसा हो गया के पहले टमाटर को रोवा, पानी को भी रोका है, पानी को भी रोका है, 40 के बदले हमने, के 40 के बदले हमने 350 को ठोका है, 350 को ठोका है। कभी टमाटर इतना महंगा कर दिया भूखे मर रहा है, और कभी पानी की धारा ही मोड़ दी राजस्थान से मिला दी, और 40 के बदले उन्होंने 40 मारे तो हमारे वीरों ने 350 मार दिए। 40 के बदले हमने 350 को ठोका है, लेकिन उस बूढ़े पिता ने कहा कि मेरा पुत्र चाह रहा था, मेरा पुत्र कह रहा था, चाह रहा था, कह रहा था कि यूपी की सरकार से कहना कि योगी जी मेरे मरने के बाद, योगी जी मेरे मरने के बाद, योगी जी मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना और मेरे तन पे लपेट तिरंगा, मेरे तन पे लपेट तिरंगा, मुझे धरती माँ से मिला योगी जी मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, मेरे तन को लपेट तिरंगे में धरती माँ से मिला देना, करना क्या? क्या मेरे मरने का बदला। जगह इस पंक्ति को सुनिएगा, सुनिए भैया, लोगों से निवेदन कर रही हूँ, आप आपके मन से अपने आप वाह वाह निकलेगी कि मेरे मरने का बदला कुछ इस तरह से चुका देना, दुनिया के नक्शे से पाक का, दुनिया के नक्शे से पाक का नामो निशान मिटा, we'll be right back.
बहुत धन्यवाद आप सबको, हर का प्रयास अच्छा रहा। ये 100 रुपए का पारितोषक परम सम्मानी श्री डॉक्टर दिनेश राजपूत जी डोरा।